हाय दोस्तों, मैं पंकज सूरी, फाउंडर एंड ओनर फ्लूइड फिटनेस। हमने IIFM के साथ कोलैबोरेशन की है ताकि IIFM के स्टूडेंट्स और जनरल मार्केट में पब्लिक जब भी जिम खोले या जिम खोलने से पहले सक्सेस को टेस्ट करें और अपनी जो भी गलतियां हैं उसे हमारे एक्सपीरियंस से मिनिमल करें। तो आज हम बात करेंगे 5 पॉइंट सक्सेस रूल की। आज हम ये 5 पॉइंट सक्सेस रूल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने मार्केट में देखा है बहुत सारे लोग जिम खोलने से पहले ही कहीं पे बेसिक गलतियां कर चुके होते हैं, जिससे कि जिम जब खुलता है और लॉन्च होता है तो बाद में रिकवर नहीं कर पाता और धीरे धीरे प्रॉफिट कम देता है और जिम ओनर्स अपना इंटरेस्ट भी उस बिजनेस में लूज करते चले जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है मार्केट रिसर्च एंड मार्केट डिमांड। आपको जिम खोलने से पहले मार्केट रिसर्च बहुत ढंग से करना है और हो सके तो थोड़ा सा कोई मार्केट रिसर्च के लिए आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़े तो उसमें हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट रिसर्च का मतलब यह है कि आप मार्केट में ये चेक कर रहे हैं कि किस एज फैक्टर के लिए, जैसे 18-30 और 30-52, दो एज फैक्टर होते हैं, किसके लिए जिम खोलना ज्यादा फायदेमंद है, कहाँ पे मार्केट डिमांड है। दूसरा जो फैक्टर है वो किस लोकेशन में आप जिम खोलना चाहते हो, वो एरिया डिस्क्राइब करना, वो भी एक मार्केट रिसर्च का ही पार्ट है। तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर आपको मार्केट का जो प्राइस है वो प्राइस को आपने ध्यान से देखना है कि कौन से प्राइस रेंज में आप जिम खोलेंगे तो ज्यादा चलने के चांसेस हैं। ये तीनों फैक्टर्स को आप रिसर्च करेंगे तो आप आगे आने वाले फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। जो दूसरा फैक्टर इससे निकल के आएगा वो आएगा आपकी जो लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी। तो जब आपने मार्केट रिसर्च में देख लिया कि एक पर्टिकुलर शॉर्टलिस्ट हो गया लोकेशन, तो आपने वो लोकेशन पे जो एरिया ज्यादा विजिबल है यानी कि मेन रोड से दिखते हैं और जो एरियाज की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है यानी कि जिनकी सीढ़ियां या पार्किंग वो इजी है और लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, तो वो एरियाज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज आपको थोड़ा सा मार्केटिंग बजट कम करने में भी हेल्प करते हैं और फुटफॉल बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अब आपने दूसरा फैक्टर जब समझ लिया है तो तीसरा फैक्टर जो निकल के आता है वो आपका जिम मॉडल निकल के आता है। तो जिम मॉडल जो है वो आपकी मार्केट रिसर्च में डिस्क्राइब करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 18-30 का एज ग्रुप है और आपका एक मार्केट ये कह रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपने जब लोकेशन डिसाइड की, आपने उस एरिया की विजिबिलिटी डिसाइड की और आपको लगता है कि वॉल्यूम ज्यादा है और मार्केट उस तरीके की है जैसे कि आपका इकोनॉमिकल मॉडल में चाहिए होता है, तो आपने वो वाला मॉडल चूज करना है जो आपकी मार्केट के हिसाब से बेस्ट सूटेड है और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में भी अच्छे से लाई कर रही है। जब आपने ये सारे फैक्टर्स डिस्क्राइब कर लिए हैं तो फोर्थ जो मॉडल आता है वो आपका आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका जो जिम मॉडल है उसी से डिस्क्राइब होता है। तो आपने अगर 25,000 का जिम जैसे डिसाइड किया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आपने उस मॉडल में कितना इन्वेस्टमेंट लगना है उसकी एक ब्रॉड रेंज लेके उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने बाकी वीडियोस में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 25,000 के आसपास का बजट होता है एक बजट जिम का, तो आपने वो 25,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन योर इंटीरियर्स, योर स्टाफ एनरोलमेंट, योर स्टाफ बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, आपका जो शुरू का मार्केटिंग बजट है, आपका इक्विपमेंट, आपका इंटीरियर्स, तो ये सारी चीजें जो होंगी ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगी और ये डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मेंबर्स खींचने में और मेंबर्स को सर्विस देने में बहुत मदद मिलेगी। अब जब आपने ये 4 फैक्टर्स कर लिए हैं तो आपका जो 5th फैक्टर आता है वो आता है आपका ओपेक्स या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपका मंथ ऑन मंथ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका सबसे मेजर एक्सपेंस होता है रेंट, आपका सेकंड मेजर एक्सपेंस होता है सैलरीज, आपका थर्ड मेजर एक्सपेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी, और एक जो एक्सपेंस है जो कि लोग शुरू में काउंट नहीं करते जो कि है टैक्सेस और अदर टैक्सेस एंड अदर हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, और जो और एक्सपेंसेस है वो आपका हो गया हाउसकीपिंग मेंटेनेंस या फिर आपका मार्केटिंग प्रमोशंस और आपका अदर एक्सपेंसेस, छुटपुट एक्सपेंसेस जो महीने के होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप पहले से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके मंथ में आपको सैलरी कितना खर्चा देना है और कितना आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। इससे आपको जिम का ब्रेक इवन जल्दी अचीव करने में मदद मिलती है और जिम की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मंथ ऑन मंथ इंक्रीज करने में हेल्प होता है। तो ये जो 5 पॉइंट रूल है अगर आप इसको ढंग से फॉलो करेंगे
तो आप अपने जिम का खुलने से पहले ही एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं, और ये स्ट्रांग बेस आपको जिम को लॉन्जेविटी भी देता है और आपका जिम की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। आने वाले वीडियोस में हम इस सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको डिटेल में सिंगल सिंगल वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, और एक एक पॉइंट में आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप डीएम भी कर सकते हैं हमें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई वीडियोस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिख के भी बता सकते हैं।